जा रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जब आप उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में है ये वीडियो। अब यू नो हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी अलग अलग लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट छूटा हुआ है, राइट? यस, हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो चुका है, बट सारे के सारे लोगों के लिए आप यू नो ये एक वीडियो में से नहीं जान सकते हैं। तो कोई एक पर्सन के लिए आपको माइंड यू नो स्टडी रखना है, आपको माइंड में सोचना है किसी एक व्यक्ति के बारे में और आपको ये वीडियो देखना है। अब जस्ट बिकॉज यू नो यहाँ पे इस वीडियो पर आ गए हैं, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग कि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है कि जो इस वीडियो में से आपको मिलने वाला है। ये वीडियो एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है मतलब इस वीडियो को जब कभी भी आप देखते हैं इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं आपके लिए वैलिड रहेंगी। ये जो वीडियो है दिस इज अ जनरल रीडिंग, मतलब इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं कि इसमें से कुछ बातें होंगी कि जो आपके साथ वैलिड आपके लिए वैलिड रहेंगी, कुछ बातें होंगी जो आपके लिए वैलिड नहीं रहेंगी। जो भी वैलिड लगता है आपको यस, जो भी रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है। मेरा नाम प्रीति है, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक मैंने 50,000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ टैरो के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। तो यस, ये बताने के पीछे रीज़न ये था ताकि आपको पता लग पाए कि आप बिल्कुल एक सही भरोसेमंद व्यक्ति के पास रीडिंग पा रहे हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आपका इस पर्सन के जी हाँ मेरे साथ प्रेयर कीजिए। जब भी मैं कार्ड्स पिकअप करती हूँ आपको प्रेयर करना है कि जो पर्सन के आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है? सो यस, आंखें बंद कीजिए, अपने जिस भी गॉड में आप विश्वास करते हैं उनको प्रे कीजिए कि आपको इस वीडियो के द्वारा सही गाइडेंस मिले, ठीक है? सो डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको सही गाइडेंस मिले उसके लिए कार्ड्स जी प्लीज। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। एंड यस, देयर इज वन फाइनल कार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, वन बाय वन सारे कार्ड्स की रीडिंग में करना शुरू करूँगी, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू शांति से आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है? पूरा का पूरा देखना है बिकॉज कभी कोई मैसेज आपके लिए, कब कोई मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो। फर्स्ट थिंग, ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा दानेश्वरी है, बहुत ज़्यादा पैसे। अब यू नो बहुत सारी गिविंग में तो बहुत सारा आ गया, राइट? जैसे कि आप किसी की मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, आप हमेशा लोगों को देते ही रहते हैं, आप किसी से कुछ लेते नहीं हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन की फीलिंग्स ये भी है कि आप रिलेशनशिप में, जब आप शायद रिलेशनशिप में थे तो आप मतलब आप उनको कुछ करने नहीं देते थे, बस आप ही उनके लिए देते रहते थे, आप ही उनके लिए तोहफे लाते रहते थे, आप ही उनके लिए चीज़ें करते रहते थे, प्यार एक्सप्रेस करते रहते थे, आप उनको कभी भी कुछ नहीं करने देते थे। दिस इज व्हाट दिस पर्सन फील्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है वो है ये कार्ड है, दिस कार्ड एक्चुअली सेज जी हाँ आप उनको बांध कर रखते थे, राइट? सी, ये इनको पहली बात क्या लग रही थी, आप बहुत ज़्यादा यू नो अनकंडीशनली आप उनको देते थे, बट एट द सेम टाइम आप शायद यू नो बहुत ही पोजेसिव थे उनके बारे में, बहुत ज़्यादा उनको आप बांध कर जकड़ कर रखते थे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, काफ़ी सारी आप यू नो उनको बांध कर रख सकते हो सकते हैं, राइट? द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस कार्ड, ये वाला कार्ड बताता है कि जी हाँ यू नो आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा यस अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको एक एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरह चेरिश करते हैं, आपकी जो मेमोरीज हैं बहुत ही ज़्यादा यू नो उनके लिए वैल्यूएबल है, ये बहुत ही ज़्यादा आज भी आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, शायद आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है, वट एवर, बट फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये वाला कार्ड बताता है ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा यस, हो सकता है कि आपको टेंपर का प्रॉब्लम है, राइट? आप बार बार में गुस्से हो जाते हैं, आपको बैलेंस में रखना, आपका गुस्सा आप मतलब आपका जो गुस्सा है उसको बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर, यस, ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दिल पे आशिक है, बहुत ज़्यादा प्यार पूर्वक रहते हैं, आप बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस उनको भेजते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि सुबह होते ही वो आपको इतने आप उनको इतने सारे मैसेजेस भेजते थे कि उनका दिन बहुत ही अच्छा जाता था, राइट? सो दिस इज व्हाट दे फील। द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर, यस, आप ऐसे भी आपका कुछ बर्ताव रहा है कि जहाँ पर आप मतलब उनको जो अच्छा नहीं लगता था वो भी उनको करना पड़ता था रिलेशनशिप में, राइट? काफ़ी मतलब दिल तोड़ने वाली बातें भी आप उनके साथ करते हैं, दिल तोड़ने वाला व्यवहार भी आपने उनके साथ किया हुआ है। ये पर्सन को लगता है कि यू नो आप उनके लिए नहीं बने हैं,
ये पर्सन को ये लगता है कि मतलब उनकी जो इच्छा है उसके बिल्कुल विरुद्ध आप जाते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं, तो इसीलिए शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि ऐसे दूसरे बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आ सकते हैं कि जिसके साथ ये रिलेशनशिप रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वॉट दे फील, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, जी हाँ, इनको इनकी लाइफ में काफ़ी आ सकते हैं, या फिर इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिसके साथ यू नो आप ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप के लिए आप ढूंढ रहे हो सकते हैं। आप ऑलरेडी लोगों को देखना, लड़की देखना शुरू कर दिया है या लड़का देखना शुरू कर दिया है आपने शादी के लिए, राइट, ऐसा इनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड इज यस, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनकी याद में अभी भी आंसू बहाते हैं, भले ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, आंसू नहीं बहाते हैं तो आप भले यू नो उनके वो याद ज़रूर करते हैं, ऐसा इनको ज़रूर लगता है। आप यू नो रात रात भर जाग कर इनको याद करते हैं, रात रात भर इनको मिस करते हैं, ऐसा इनको ज़रूर लगता है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज दिस, वी हैव दिस कार्ड एक्चुअली सेज, इस पर्सन को ये लगता है कि आप अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप वापस उनके साथ रीयूनाइट कर सके, वापस उनके साथ यू नो आ सके। अब हो सकता है ये सच बात नहीं है, बट यस इस पर्सन को ज़रूर लगता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप यू नो शायद चोरी छुपके से यू नो मतलब रात को देर रात को आप यू नो उनको शायद स्टॉक करते हैं, वो फेसबुक पर क्या कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर कौन सा स्टेटस अपलोड किया है, इंस्टा के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यू नो आप शांति से यू नो खुफिया तरह से आप तहकीकात करते हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे कार्ड्स देखते हैं, जी हाँ, यहाँ पर भी हमें कुछ एडिशनल मैसेजेस की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए आप प्रे करो मेरे साथ। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स को कौन से मैसेजेस पाने की ज़रूरत है उसमें हमारी मदद कीजिए, मेरे व्यूवर्स को कौन से मैसेजेस पाने की ज़रूरत है उसमें हमारी मदद कीजिए, मेरे व्यूवर्स को कौन से मैसेजेस पाने की ज़रूरत है उसमें हमारी मदद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज दिस कार्ड, ठीक है, ये एम्प्टी नेस्ट का कार्ड है, मूविंग ऑन नो वन होम साइकिल कंप्लीशन एम्प्टी नेस्ट फाइनल, ठीक है। तो ये वाला कार्ड पहले तो बताता है कि आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया है, साइकिल एक साइकिल था कि वो साइकिल कंप्लीट हो गया और वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, ठीक है। जो साइकिल था कि जिसमें उस पर्सन को शायद आपको जानने की ज़रूरत थी, आपके द्वारा आपके साथ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत थी, तो वो साइकिल जब तक चल रहा था तभी तक वो चीज़ पॉसिबल थी, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है बिकॉज साइकिल इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है, दिस इज एक्चुअली सेइंग अनकंडीशनल लव, रोमांस, सोलमेट्स, अनकॉमन बॉन्ड, डिवोटेड बॉन्ड्स, जी हाँ, हो सकता है कि आप और वो जो पर्सन है वो सोलमेट्स हैं, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा लेकिन वो रिश्ता तो खत्म हो गया है, सी सोलमेट वाला रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो अगर फ्यूचर उसका ना हो तो ही अच्छा है। सोलमेट्स जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को दुख देने के लिए, दर्द देने के लिए आते हैं, तो इसीलिए अगर आपका सोलमेट वाला रिलेशनशिप पूर्ण नहीं होता है, आपकी शादी नहीं होती है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन विद यू, ठीक है। आपके साथ सबसे बेस्ट चीज़ होगी शादी, हमेशा ऐसे ही व्यक्ति के साथ होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ आपका दूर दूर तक यू नो कोई सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ दैट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है, दिस इज एक्चुअली सेइंग एट दिस टाइम द सिचुएशन इज स्टेबल एंड अनलाइकली टू चेंज, ठीक है। अब इस पर्सन के साथ का जो सिचुएशन है वो यू नो स्टेबल है, बट चेंजेस नहीं आएंगे इस रिलेशनशिप में, तो अगर आप आशा रख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में कुछ हो सकता है, जी नहीं, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि कुछ फ्यूचर में भी नहीं होगा, जो भी है वो सिचुएशन अनचेंज रहेगी, ये सिचुएशन वापस नहीं बदलेगी, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज दिस, पायनियर, बोल्डनेस, डेस्टिनेशन, द कटिंग एज, लॉन्ग जर्नी, ट्रायल ब्लेज, ट्रू ग्रिट, चैलेंज, नेविगेटिंग अनचार्टेड टेरिटरी, रिसोर्सफुल टीम, गॉट योर सिक्स, अनफ्लैपेबल करेज, जी हाँ। अब ये वाला कार्ड है कि जो आपके लिए कुछ मैसेज बताता है कि आपको ऐसा होने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप शायद उस व्यक्ति की राह देख रहे हैं, शायद उनके साथ वापस कनेक्शन हो जाए, ऐसी राह देख रहे हैं, बट दिस कार्ड सेज वो चीज़ होने वाली नहीं है। अब जो भी आपको करना है आपको अकेले करना है, राइट, यू आर सपोज टू, आपको खुद बोल्ड रहना है, खुद करेजियस रहना है, और आपको यू नो अपनी लॉन्ग जर्नी आपको उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अनचार्टेड टेरिटरी, रिसोर्सफुल, वॉट योर सेक्स, अनफ्लैपेबल करेज, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये सारी और लॉन्ग जर्नी आपको आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें आपको आपको अपने आप के साथ रहना है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस मिरर, सेल्फ, यस, सेल्फ अवेयरनेस आपको रहना है, यू नो सेल्फ अवेयरनेस इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप यू नो दुनिया में रहते हैं, सभी सारा काम आप अच्छे से करते हैं, अपने पर्पस के ऊपर काम अच्छे से करते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब कुछ सही से करते हैं, तो भाई सेल्फ अवेयरनेस क्यों नहीं रखते हैं, राइट। सेल्फ अवेयरनेस इज यस, बींग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, आप क्या है क्या नहीं है वो सारी अवेयरनेस होना ज़रूरी है,
और उसके बारे में एक अवेयरनेस होना, एक सजागता होना जरूरी है, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस कार्ड सेज, सेल्फ असेसमेंट ईगो। यस, समय समय पर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, मतलब जैसे एवरी 3 मंथ्स देखो कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। किसी ने आपको गलत समझा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपकी गलतियां भी आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसे काफी ज्यादा लोगों को जानती हूँ जिनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया, उनकी लाइफ में कोई गलती हुई नहीं है। इफ यू आर अ ह्यूमन बींग, अगर आप एक मनुष्य है तो आपके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होने वाला है, आपके अंदर कोई ना कोई खामी जरूर होने वाली है, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। आपको उसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। ये हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर होते हैं, इसीलिए पहले तो अपने आपके जो अवगुण है, आपकी जो वीकनेसेस है, उसके प्रति आपकी सभानता होना जरूरी है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी वीकनेसेस से ऊपर उठने की कोशिश करते रहना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस, ये वाला कार्ड कहता है यस, एडवेंचर, एफ्लुएंट, लग्जरी, मोबिलिटी, ट्रैवल, ग्रेट ईज, स्मूथ सेलिंग। तो ये कार्ड आपके लिए है कि आपको एडवेंचर पर जाना चाहिए, आपको आपको लग्जूरियस लाइफ आपको जीना चाहिए, सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब आप अपने आप के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें जो अच्छी लगती है वो चीज़ें आपको यूज़ करनी है, आपको जैसा खाना अच्छा लगता है वैसा खाना खाना है, जहाँ पर घूमने जाना अच्छा लगता है वहाँ पर जाना है, वो करने से यू नो आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मतलब खुद के प्रति विश्वास बढ़ेगा, राइट? अगर आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो आपका खुद के प्रति विश्वास बढ़ेगा, कि जिससे आपकी लाइफ में आप बेटर डिसीजन लेने में ज़्यादा काबिल होंगे, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर द डेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यस अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए आपको रीडिंग करवाना पड़ेगा, रीडिंग जो होगा कंसल्टेशन बुक करवाने के बाद, पहले प्री पेमेंट करने के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। जी हाँ, ये रीडिंग फ्री नहीं होगा, ये वाला जो वीडियो है ये फ्री है, ठीक है? और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप टैरो सीख सकते हैं, मुझसे मेरी वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है मेरे टैरो क्लास के बारे में, और मेरी वेबसाइट का एड्रेस है मेरी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आप जाकर यू नो वेट लिस्ट है टैरो के क्लास का वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जब भी क्लास शुरू होगा आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम keep following the path of your soul's purpose, because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.